एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डी ब्रॉगली ने क्या किया, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट का काम लिया और उस काम को कॉपी कर दिया किस पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, कि मैटर की वेवलेंथ की लैम्डा ऐसा होता है। लेकिन देखो, उसने ये मैथमेटिकली बताया था कि उसे लगता है, उसे ऐसा लगता था कि जो काम रेडिएशन पे आइंस्टाइन ने किया था वो काम किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे हो सकता है। उसने मैथ्स बना दिया इसका, पर वो इस बात को लैब में प्रूव नहीं कर पाया था। अब इनसे भी ऊपर साइंटिस्ट है डेविसन जर्मर, इन्होंने आइंस्टाइन का काम भी पढ़ लिया, इन्होंने डी ब्रॉगली की बात भी सुन ली और इन्होंने लैब के अंदर डी ब्रॉगली की बात को प्रूव करके दिखा दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की बीम मूव करती है तो वो सच में इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो वेव की तरह काम करती है और वो रेडिएशन की तरह भी काम करती है, मतलब पार्टिकल की तरह भी काम करती है। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके दिखाया, मतलब डी ब्रॉगली की बात बिल्कुल सही थी, सही बात कर गया वो, और इन्होंने लैब में प्रूव करके दिखाया। तो क्या एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, या फिर ऐसा तो होता है कि एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करो जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की मूविंग इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर है। इन लोगों ने फोटोन नहीं किया था, फोटोन तो आइंस्टाइन ने प्रूव कर ही दिया था, इन्होंने किसका ड्यूअल नेचर शो किया, मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो इन्होंने क्या किया, मूविंग इलेक्ट्रॉन लिया, ये आपके सामने मूविंग ये डायग्राम है, ये बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन गन है जो पीछे से, अगर पोटेंशियल हाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करता है, लो करते हो तो स्लो मूव करता है। नीचे निकल का क्रिस्टल लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हिट करवाया, कुछ इलेक्ट्रॉन जो स्लो थे वो सरफेस से टकरा के स्कैटर हो गए, कुछ जिसका पोटेंशियल हाई है उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है अंदर घुस गए, सेकेंड लेयर से टकरा के बाहर आए, कोई और हाई है वो थर्ड लेयर से निकल के अंदर एटम्स हैं अंदर जाके टकरा के बाहर आए। तो यानी कि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, और स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हुई तो इन्होंने यहाँ डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर ये काउंट कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो रहे हैं वो अलग अलग एंगल फाइव पे उन्होंने कैलकुलेट करवा लिया, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैच किए जा रहे हैं पर सेकेंड, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कैच करवाया और मेजर किया। तो इन्होंने ये एक ज्योमेट्री है, थीटा थीटा सिमेट्री होती है इसमें स्कैटरिंग के अंदर, और ये फाई एंगल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग वोल्टेजेस को इंक्रीज किया, वी की वैल्यू को इंक्रीज किया, अलग अलग एंगल्स पे काम किया और इंटेंसिटी आई। तो इन्होंने ये देखो 44 वोल्ट पे, 22 वोल्ट पे, 23 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे, 44 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे, 60, 80, 100 हर वोल्ट पे काम किया, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया 54 वोल्ट पे ये इंटेंसिटी का जो ये जो जो शेप है वो हाईएस्ट है, मतलब ऐसी आई है। लेकिन अगर आप वोल्टेज घटाते हो तो भी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, और जब आप बढ़ाते हो वोल्टेज तो भी ये पीक थोड़ा कम हो जाता है। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये है क्या, ये इंटेंसिटी है, तो इन्होंने इस ग्राफ को यहाँ बनाया, अगले ग्राफ को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, अगले ग्राफ को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, उस ग्राफ को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, उस ग्राफ को यहाँ पे ज्वाइन किया, तो उनको दिखने लगा कि यहाँ पर कुछ मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ऐसा काम तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के अंदर ही देखा जा सकता है, जहाँ पर ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ऊपर और नीचे जाने पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हो रही है, कहीं पर मिनिमा भी है और कहीं पर मैक्सिमा भी है। इसे पता लग रहा था कि यहाँ पर कुछ वेव का फिनोमेना पक्का लग रहा है। इन्होंने और डीप स्टडी किया, इन्होंने कोई भी एक वैल्यू ले ली, मान लो ये चार्ट ले लिया जहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी है 50 है, और जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट 54 वोल्ट पे करवाया गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो ये निकल का क्रिस्टल है, ये एटम्स ही एटम्स हैं क्रिस्टल के, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि लाइट आई और स्कैटर हो रही है, कुछ लाइट अंदर घुस के स्कैटर हो रही है, देखो ना यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो ज़्यादा वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो अंदर से जाके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इनके बीच में डी है, दो एटम के बीच में स्पेसिंग डी है। तो यहाँ पर एक लॉ है जिसको ब्रैग्स लॉ बोलते हैं, ब्रैग्स लॉ ये सिलेबस में नहीं रहा, ब्रैग्स लॉ कॉम्पटन लॉ ये हट गया सिलेबस से, पर आप ये देखो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अगर मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है, जैसे यंग्स ने किया था लाइट में, तो ब्रैग्स ने किया था इलेक्ट्रॉन्स में निकल क्रिस्टल के साथ। तो इन्होंने क्या किया, थीटा प्लस फाइव 180 है, ये ग्राफ चेक हो रहा है, यहाँ से 2θ + 5 = 180 है, फाइव राइट साइड पे चला गया और थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा क्यों निकालना बताता हूँ,
वो जो एक स्पेशल ग्राफ है जिसमें हाईएस्ट इंटेंसिटी है वो कब आई जब फाई की वैल्यू कितनी है 50 है, अगर फाई 50 है तो थीटा कितना है 65 है। तो ये पता लगा कि अगर फाई 50 है और थीटा 65 है और वोल्टेज 54 वोल्ट है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रैग्स लॉ लगाया। मैंने बताया ये याद ही करना पड़ेगा, ब्रैग्स लॉ बेसिकली डिफ्रैक्शन शो करता है, मतलब ये डिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो करता है लेकिन लाइट में नहीं, इलेक्ट्रॉन की बीम में। तो इलेक्ट्रॉन की बीम में उन्होंने 54 वोल्ट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिजल्ट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी में 2d साइन थीटा 1 लैम्डा प्रोड्यूस किया, मतलब ये रिजल्ट है मैक्सिमा का। ब्रैग्स लॉ में अगर निकल के क्रिस्टल में मैक्सिमा मिनिमा किया जाए तो मैक्सिमा की कंडीशन है 2d साइन थीटा 1 लैम्डा। तो 1 पुट किया, d इंटर एटॉमिक स्पेसिंग उन्हें पता थी, थीटा 65 डिग्री पता था उस ग्राफ के लिए, उन्होंने क्या निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया 1.65। मतलब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने वेव माना, वेव का फिनोमेना डिफ्रैक्शन लगाया, डिफ्रैक्शन के साथ उन्होंने लैम्डा निकाल दिया ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन की वेव नहीं चले। लेकिन तब उन्होंने ये देखा कि अगर मैं डी ब्रॉगली का रिजल्ट लूँ, डी ब्रॉगली ने भी तो इलेक्ट्रॉन की एक हमें जो वैल्यू बताई थी वेवलेंथ की, और डी ब्रॉगली ने ये मान के भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो वो जो ग्राफ है जिसकी स्पेशल में वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो ग्राफ कितने वोल्ट पर है, 54 वोल्ट पे है। तो इन्होंने यहाँ पर सीधा 54 पुट किया, कोई वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना नहीं है, तो सीधा आंसर 1.66 है। तो इन्होंने चेक करवाया, अगर तुम वेव की तरह एक्सपेरिमेंट करते हो या तुम पार्टिकल की तरह एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम्हारा वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम आता है। इसका मतलब एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसके अंदर ये ऐसा इन्होंने प्रूव किया। तो एक बार एक्सपेरिमेंट आपने किसके साथ करना है, वेव के साथ, और एक बार किसके साथ करना है इसमें, पार्टिकल के साथ, और ये दो ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर और भी साइंटिस्ट आए, जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, जिसने फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ली और डिफ्रैक्शन की तरह, याद है डिफ्रैक्शन, वो स्लिट करके सिंगल स्लिट उन इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्रैक्शन शो कर दी। अब तो पक्का विश्वास हो गया लोगों को कि मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है। फिर और भी आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, इन्होंने भी वेव नेचर के साथ ये लैम्डा को प्रूव किया, ये भी सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के। ठीक है, यहाँ तक तो इसे क्लोज करते हैं।